वेलकम एंड गुड मॉर्निंग ऑल। आज के लेक्चर में आज भी हम पांच इडियम्स और फ्रेजेस पर कमांड हासिल करेंगे। आज का पहला इडियम है पिन मनी। पिन मनी मतलब जेब खर्च। दूसरा है येलो जर्नलिज्म, सस्ता व सनसनीपूर्ण समाचार, स्कॉट फ्री, बिना सजा के मुक्त। चौथा होगा शीट एंकर, मुख सहारा। और पांचवा, जो कि पूरे सीरियल नंबर में 60th नंबर होगा, वाइड ऑफ द मार्क, निशाने से दूर। तो इस तरह से पिन मनी को पहले समझते हैं। पिन, पिन का मतलब क्या समझ रहे हैं हम? पिन का हम समझ रहे हैं छोटा मोटा काम करने के लिए मनी। पिन का मतलब छोटा मोटा नहीं होता है। याद रखने का तरीका यही निकाला है कि छोटा मोटा काम करते हैं पिन से, चाहे पिन छोटी सी वस्तु होती है। तो पिन मनी का मतलब छोटा मोटा काम करने के लिए मनी जो होता है उसे क्या कहेंगे हम? जेब खर्च कहेंगे। तो इसको याद रखेंगे, पिन मनी मतलब जेब खर्च। सेंटेंस में अगर यूज करें तो राम पेज हिज ट्यूशन फीस फ्रॉम हिज पिन मनी। राम चुकाता है अपना ट्यूशन फी अपने जेब खर्च से। राम अपने जेब खर्च से अपना ट्यूशन फीस चुकाता है। यह पिन मनी का यूज किया हमने, यहाँ पे देख रहे हैं आप। नाउ येलो जर्नलिज्म, येलो को येलो नहीं पढ़ेंगे आप, येलो पढ़ेंगे। येलो जर्नलिज्म मतलब सस्ता व सनसनीपूर्ण समाचार। समाचार कैसा? सस्ता और सनसनीपूर्ण। तो इसको बोलते हैं येलो जर्नलिज्म, जो कि एक उचित नहीं होता है। ये उचित, इस तरह का समाचार, येलो जर्नलिज्म नैतिकता के पैमाने पे सही नहीं उतरता है। फिर भी इसको सीखना पड़ेगा। येलो जर्नलिज्म किसे कहेंगे? तो सस्ता और सनसनीपूर्ण समाचार जो होता है उसे ही कहते हैं इंग्लिश में येलो जर्नलिज्म। जैसे देखते हैं कोई डॉग किसी गड्ढे में गिर गया, वहां पे डॉग गिर गया है फिर भी जिंदा है, कोई बचाया नहीं रहा है, सरकार का कोई भी अधिकारी नहीं है, ऐसे करके ऐसा न्यूज बनाते हैं सब। लगता है कितना इम्पोर्टेंट है, जबकि कितनी समस्याएं, कितने गरीब भूखे हैं, कितने को खाना ठीक से नहीं मिल रहा है, गरीबी है, बेरोजगारी है, इतनी समस्याएं हैं। उस पर करेंगे तो सही डायरेक्शन में लोग सोचेंगे, फिर काम होगा। तो यह येलो जर्नलिज्म क्या होता है? सस्ता और सनसनीपूर्ण समाचार देना होता है। नाउ अ डेज मतलब आजकल, इसकी हिंदी होती है आजकल। येलो जर्नलिज्म अट्रैक्ट्स रीडर्स, लिसनर्स, व्यूअर्स। जो सस्ता और सनसनीपूर्ण समाचार है आकर्षित करता है किसको? पढ़ने वाले को। अगर अखबार में है तो पढ़ना पड़ेगा। लिसनर्स को, अगर रेडियो या कहीं ऑडियो है तो उसको सुनना पड़ता है। एंड व्यूअर्स, जो देखते हैं। तो रीडर्स को, लिसनर्स को, व्यूअर्स को, किसी को भी, इसलिए स्लैश दिया हुआ है। तो इनको अट्रैक्ट करता है क्या? येलो जर्नलिज्म, सस्ता और सनसनीपूर्ण समाचार। नाउ स्कॉट फ्री, स्कॉट फ्री का मतलब होता है बिना सजा के मुक्त। अब बात इस स्कॉट की है, स्कॉट है क्या? स्कॉट का इंग्लिश है टैक्स, टैक्स का हिंदी है कर। कर को हम जुर्माना कह सकते हैं, जुर्माना, थोड़ा सा निगेटिव जाकर, इसे समझने के लिए हम कर रहे हैं। अब जुर्माना फ्री, अब किसी ने कोई क्राइम किया और जब सुनवाई इसकी हो रही है और साबित हो रहा है कि उसने क्राइम नहीं किया है, जब सुनवाई होगी तो क्राइम के आरोप में सुनवाई होगी, साबित हुआ कि क्राइम नहीं हुआ किया है उसने, तो उसे बिना सजा के मुक्त कर दिया जाएगा, इसे कहेंगे स्कॉट फ्री। यह भी हो सकता है क्राइम किया लेकिन क्राइम का कोई एविडेंस, कोई सबूत नहीं है, तब भी उसे स्कॉट फ्री कर दिया जाएगा, सजा से मुक्त कर दिया जाएगा, तो इसे भी स्कॉट फ्री कहेंगे। तो सजा जहां पे होनी चाहिए तो या तो सच्चाई आ गई सामने या सबूत सामने नहीं आया, इस कारण से सजा से मुक्त कर दिया गया, इसे बोलते हैं स्कॉट फ्री। नाउ शीट एंकर, शिप जो होती है उसे कोस्ट पे स्टैटिक रखने के लिए एंकर का यूज किया जाता है। बहुत सारे एंकर यूज होते हैं लेकिन जो मेन एंकर होता है उसे बोलते हैं शीट एंकर। तो वहीं से
इसको ला दिया गया है मुख सहारा, मुख सहारा। होप अब, लेकिन अब ये शिप से कनेक्टेड तो है, शिप में यूज होता है और हिंदी भी ठीक लिखा हमने मुख सहारा, लेकिन अब जो मीनिंग लिखा है मीनिंग को जनरलाइज कर दिया है हमने, सामान्य जनता की जो मीनिंग होती है उसके उसके लिए कर दिया है। होप इज द शीट एंकर ऑफ लाइफ, जीवन का मुख सहारा होती है क्या, होप आशा, आशा जीवन की मुख सहारा होती है, इसको सीट एंकर को हमने मुख सहारा शब्द को यूज कर लिया। नाउ वाइड ऑफ द मार्क, आप क्रिकेट देखते हैं कि जो क्रीज बना है इधर स्टंप्स होता है और कुछ पार्टिकुलर डिस्टेंस तक बॉल अगर यहाँ से बाहर जाती है तो कहते हैं कि ये बॉल वाइड हो गई। तो जो मार्क बना हुआ है उस मार्क से बाहर जाने पर बॉल वाइड होती है, तो इसको कहेंगे निशाने से दूर, वाइड ऑफ द मार्क, मार्क से वाइड चौड़ा दूर, मार्क से दूर, तो इसे कहेंगे निशाने से दूर। अब कोई टॉपिक होता है जैसे फार्मर्स प्रोटेस्ट है, अब आपसे कहा जाए कि फार्मर्स प्रोटेस्ट पे आप बोलिए, आप बोलने लगेंगे बेरोजगारी पे, तो क्या कहेंगे कि आपका जो लॉजिक है दिस इज वाइड ऑफ द मार्क, निशाने से दूर है। तो मोस्ट ऑफ द आर्गुमेंट्स वर वाइड ऑफ द मार्क, अधिकतर तर्क निशाने से दूर थे, ऐसे करके इसको यूज कर दिया हमने। तो आज जो पांच वर्ड्स हमने देखे हैं, पिन मनी जेब खर्च याद करने की कोशिश करिएगा, येलो जर्नलिज्म सस्ता और सनसनीपूर्ण समाचार, एस्कॉर्ट फ्री बिना सजा के मुक्त, शीट एंकर मुख सहारा, और लास्ट में वाइड ऑफ द मार्क निशाने से दूर। ये पांचों पांचों काफी इजी हैं। तब तक फिर कल नया आ जाएंगे लेकर इडियम्स एंड फ्रेजेस, तब तक के लिए धन्यवाद, हैव अ नाइस डे।